खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम आ चुके हैं अल्मोड़ा, और आज मैं आपको लेकर चलूँगी जागेश्वर धाम, कुबेर मंदिर और चितई कोलू देवता टेम्पल। तो सबसे पहले चलते हैं जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे माता पार्वती और शिव जी दोनों की पूजा होती है। जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे, आपको दिखाई देंगे टोटल 125 छोटे बड़े मंदिर का समूह, जिनमें से 108 शिवलिंग है और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव की लिंग रूपी पूजा जागेश्वर से शुरू हुई थी। ये है जागेश्वर का मुख्य मंदिर, जहाँ पे आप गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव का ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और ये मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा पेड़ जहाँ अर्धनारीश्वर के रूप में रहते हैं माता पार्वती और भोलेनाथ। इसी वजह से ये मंदिर इतना ज्यादा चमत्कारी है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी ने सप्त ऋषियों के साथ तपस्या की थी। यहाँ मांगी जाने वाली हर मनोकामना पूरी होती है। जटा गंगा नदी के किनारे 1870 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है जागेश्वर धाम, और चारों तरफ है देवदार के जंगल। जागेश्वर धाम के कुछ मंदिरों की दीवारों पे 25 से अधिक शिलालेख पाए गए हैं, और मंदिर की जो बनावट है वो केदारनाथ धाम से मिलती है। जागेश्वर धाम के मुख्य मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, जहाँ पे आप मृत्युंजय मंत्र का जाप भी करा सकते हैं। इसके अलावा आप दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, केदारनाथ मंदिर, कमल कुंड, यहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं, दांडेश्वर मंदिर और भैरव मंदिर। जागेश्वर धाम में हर वर्ष सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है। सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाहर से भी यहाँ भक्त आकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं। क्या आप जानते हैं जागेश्वर मंदिर का अपना एक म्यूजियम भी है, जिसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इस म्यूजियम के अंदर आपको जागेश्वर मंदिर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पे कई तरह की मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। इस म्यूजियम के अंदर आप मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे शिव, पार्वती, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी, कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ रखी गई हैं। म्यूजियम में एंटर करने के लिए आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। अब आपको लेके चलती हूँ प्राचीन कुबेर मंदिर। उत्तराखंड देवभूमि में सिर्फ एक कुबेर मंदिर है, जो कि जागेश्वर में स्थित है। आपको बता दे, कुबेर धन के देवता हैं। हर साल धनतेरस और दिवाली के दिन भक्त दर्शन करने पहुँचते हैं। कहते हैं कि यहाँ से एक चांदी का सिक्का अगर आप अपने साथ लेकर घर के मंदिर में रखकर रोज इसका पूजन करें, तो व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती, उस पे कुबेर जी की कृपा बनी रहती है। अब आपको बताती हूँ कि आप जागेश्वर धाम कैसे आ सकते हैं, और यहाँ रुकने के क्या क्या ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जागेश्वर धाम आने के लिए
अगर आप ट्रेन से आने का सोच रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, और आप बाय प्लेन भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको पंतनगर आना पड़ेगा, जहाँ से जागेश्वर धाम की डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, और आप बस या प्राइवेट टैक्सी से भी यहाँ तक आ सकते हैं। रहने के लिए आपको जागेश्वर धाम के बाहर ही बजट फ्रेंडली होटल और होम स्टे भी मिल जाएंगे। जागेश्वर धाम के बाहर ही मार्केट है, जहाँ पे आपको पूजा सामग्री और खाने के भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप जागेश्वर धाम कब आ रहे हैं कमेंट करके बताइए। और अब मैं आपको लेके चलती हूँ अल्मोड़ा के एक और चमत्कारी मंदिर, चितई गोलू देवता टेंपल। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देव भूमि कहा गया है, ऐसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है, जिन्हें न्याय का देवता भी बोला जाता है। मंदिर के बाहर पूजा की दुकानों पे आपको देखने को मिलेंगी काफी सारी घंटियां, और जैसे ही आप मंदिर में एंटर होंगे आपको घंटियों के साथ साथ दिखाई देंगी लोगों की चिट्ठियां, जिसपे लोग अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद लोग यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। ये इतनी सारी जो घंटियां हैं, यह इसी बात का सबूत है कि लोगों की मनोकामना यहाँ पे जरूर पूरी होती है। अल्मोड़ा से सिर्फ 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये मंदिर, तो अगर आप अल्मोड़ा आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे जरूर विजिट करना। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।